हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स की। सो जितने भी अवार्ड्स नेशनल लेवल्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं पीपल्स को हु डिड एन एक्सेप्शन वर्क इन डिफरेंट फील्ड, वो आज बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो नेशनल अवार्ड्स की, तो सबसे पहली बात आएगी आपकी भारत रत्न की। और भारत रत्न बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है कि जो लोग एक्सेप्शन वर्क करते हैं आर्ट लिटरेचर साइंस में एंड रिकग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। नेक्स्ट भारत रत्न के बाद आता है आपका पद्म विभूषण। और सेम यही अवार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जो एक्सेप्शनल वर्क एंड डिस्टिंग्विश जो सर्विसेज हैं वो देते हैं किसी भी फील्ड में। और इस अवार्ड को बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट को भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट इफ दे डिड एक्सेप्शनल वर्क इन एनी फील्ड उनको भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन भारत रत्न में ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम पद्म विभूषण की, तो ये भी सेम डिस्टिंग मतलब एक्सेप्शन वर्क जो लोग करते हैं डिफरेंट फील्ड में उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। नेक्स्ट आता है पद्मश्री। तो पद्मश्री भी सेम मतलब ये हायरार्की वाइज है, मैंने बताया आपको पहला पहले भारत रत्न आ गया, देन पद्म विभूषण आ गया, पद्म भूषण आ गया, पद्मश्री आ गया, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो एक्सेप्शनल काम करते हैं किसी भी फील्ड में। सिर्फ भारत रत्न अवार्ड जो है दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, अदरवाइज जितने भी बाकी है पद्म विभूषण पद्मश्री एंड सभी जितने भी ये अवार्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम गैलेंट्री अवार्ड्स की। तो गैलेंट्री अवार्ड में सबसे पहले आते हैं आपके परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र जो है ये उनको प्रोवाइड किया जाता है जो लोग एक शोज एंड ब्रेवरी डैशिंग करेज इन पीरियड ऑफ यू नो बैटल अगेन एनिमी, ये उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। और मतलब जो अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द नेशन एंड इन द बैटल अगेन एनिमीज। उसके बाद मेन आता है कि इसमें इस अवार्ड में 50,000 पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद महावीर चक्र, सेम ये भी ब्रेवरी के लिए दिया जाता है और इसमें 30,000 पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वीर चक्र आता है अगेन फॉर ब्रेवरी एंड इट्स प्रोवाइडेड 20,000 पर मंथ। ओके, सो आपको यहाँ पर मे बी कॉस्ट पूछा जा सकता है कि कितने पैसे जो मंथली चक्र में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे पहले अशोक चक्र अवार्ड एंड ये भी यू नो प्रोवाइड किया जाता है फॉर करेजियस एक्शंस या सेल्फ सेक्रीफाइस इन बैटल फील्ड एंड इट जस्ट इक्वलेंट ऑफ द परमवीर चक्र। ओके, सो ये परमवीर चक्र के इक्वलेंट है। और अशोक चक्र के बाद आता है कीर्ति चक्र, धन शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाता है, सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। और शौर्य चक्र जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाता है। तो आपने बेसिकली क्या याद रखना है, इनका हायरार्की में याद रखना है, फर्स्ट पे अशोक चक्र अवार्ड, देन कीर्ति चक्र, देन अशोक चक्र। उसके बाद बात करते हैं हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, सो इट्स एन हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। राजीव गांधी के अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड आ जाता है, सेम आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को प्रोवाइड किया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट कोचिंग। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और ये जो नाम है बेसिकली ये इंडियन लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के नाम पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है उनकी मेमोरी में। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेरी अवार्ड्स की। तो मतलब लिटरेरी अवार्ड मतलब अवार्ड विच आर रिलेटेड विद लिटरेचर एंड राइटिंग कंटेंट। ओके, सो इसमें फर्स्टली हम बात करें अनंत पुरस्कार की। तो अनंत पुरस्कार बेसिकली सिर्फ उन्हीं यू नो राइटर्स को दिया जाता है जो बंगाली में लिखते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उन्हीं राइटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। सो जो अनंत पुरस्कार है वो वॉज अवार्डेड टू द बंगला अकेडमी ऑफ बांग्लादेश इन द 1993। देन उसके बाद भारतीय जननपीठ अवार्ड, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1965 में और ये प्रोवाइड किया जाता है। और ये किसी भी फील्ड मतलब लैंग्वेज में आप लिखो ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अनंत पुरस्कार सिर्फ बंगाली में लिखने वाले को मिलता है ना, जननपीठ अवार्ड आप अच्छा काम किसी भी लिटरेचर में कर रहे हो आपको उसी में मिलेगा। देन उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1955 में
and it's provided for any in exclusive writing in any of the 22 languages. उसके बाद द हिंदू लिटरेरी अवार्ड, बेसिकली ये जो अवार्ड है ये अवार्ड इट्स अ पार्ट ऑफ द हिंदू पेपर और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में. उसके बाद मूर्ति देवी अवार्ड आ जाता है. तो मूर्ति देवी अवार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 1945 में एंड ये प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई भी इंडियन लैंग्वेज में आप लिखो चाहे वो, और साथ में इंग्लिश लिटरेचर में भी इफ यू डिड अ आउटस्टैंडिंग वर्क तो ये वहाँ उनको भी प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद आया था सरस्वती सम्मान और ये इंस्टीट्यूट होता 1991 में YKK बिरला फाउंडेशन और सेम यहाँ पे भी आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो आपको ये अवार्ड सम्मान प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद आता है आपका रविंद्र पुरस्कार. रविंद्र पुरस्कार बेसिकली ग्रेटेस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो गिवन विद इन वेस्ट बंगाल इंडिया और ये जो अवार्ड है ऑर्गेनाइज बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द पी चिदंबंगा बंगला अकेडमी आदर बंगाली बंगाली अकेडमी लिव इट ईयर. ओके, सिर्फ इतना जरूरी है कि रविंद्र पुरस्कार जो है ये ग्रेटर लिटरेरी अवार्ड है जो दिया जाता है विद इन वेस्ट बंगाल इंडिया. उसके बाद आता है ब्यालर अवार्ड, तो ये दिया जाता है बेस्ट लेजेंडरी जॉब इन मलयालम. ठीक है, अब ये रीजनल वाइज स्टेट वाइज अवार्ड्स की हम बात करेंगे अभी इसमें. तो इन 1977 द अवार्ड केम इनटू बीइंग बाय द ब्यालर रमा वर्मन मेमोरियल ट्रस्ट इन कलेक्टिंग ऑफ द राइटिंग एंड सॉन्ग राइटर ब्यालर रमा वर्मा इन 1928 से लेकर 1927 तक, मतलब 1975 तक इनका रहा और 25,000 तक का जो अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद व्यास मान जो इंस्टीट्यूट था 1992 में हुआ था, ये भी सेम के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था. उसके बाद इकबाल सम्मान और ये दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. उसके बाद आता है कालिदास सम्मान, तो ये गवर्नमेंट ऑफ MP मध्य प्रदेश जो है ये इस अवार्ड को ऑफर किया जाता है वहां पर. और उसके बाद बात करें तानसेन सम्मान और ये भी सेम MP गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन सिने अवार्ड्स की. तो इंडियन सिनेमाज में जो नेशनल लेवल अवार्ड है वो पहला आ जाता है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड. दादा ये एनुअली प्रोवाइड किया जाता है बाय द मेमोरी ऑफ दादा साहेब फाल्के और वॉज दी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. और ये जो अवार्ड है बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा और ये स्टार्ट हुआ था 1969 में. उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्म अवार्ड है, फिल्म अवार्ड सेरेमनी है इंडिया में और ये एक्सेप्टेड हुआ था 1954 में. और उसके बाद बात करेंगे हम फिल्म फेयर अवार्ड्स की और द टाइम ग्रुप मोस्ट अवॉर्डेड अवार्ड इज फिल्म फेयर अवार्ड विच ऑनर द एक्सलेंस ऑफ द मेजर इंडियन साइंटिफिक एक्सेप्शंस इट इज अमंग द. ओके, तो फाइनली ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में और ये सिमिलर है एज नेशनल फिल्म अवार्ड ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज. तो प्रोग्राम था इनिशियली उसको नाम दिया था क्लियर अवार्ड और हु वाज द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडियन साइंस अवार्ड्स की. तो इंडियन साइंस अवार्ड बेसिकली इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल रिकॉग्निशन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन टू साइंस. सो उसके बाद जो मतलब जो ये जो अवार्ड है ये कवर करता है ऑल द एरियाज ऑफ रिसर्च इन साइंस इंक्लूडिंग इंजीनियर मेडिसिन कल्चर्स वगैरह. प्राइज मनी जो रहती है वो 25 लाख की रहती है और इसमें आल्सो कैरीज कैटिशंस एंड गोल्ड मेडल एंड ये अनाउंस किया जाता है हर साल एज ए इंडियन साइंस कांग्रेस में. और उसके बाद अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया बाय द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी इन 2003 में. तो फर्स्टली हम बात करें वो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और ये जो अवार्ड है बेसिकली गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ साइंस अवार्ड इन इंडिया गिवन एनुअली बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर नॉट एबल आउटस्टैंडिंग रिसर्च अप्लाइड फॉर फंडामेंटल. मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग वर्कआउट किया जाता है बायोलॉजी केमिस्ट्री एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिसिन फिजिक्स में जो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है. और बेसिकली इसका जो पर्पस है
इसका ये है कि इंडियन वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और देन उसके बाद ये जो फर्स्ट अवॉर्डेड, मतलब फर्स्ट अवॉर्डेड किया गया था वो गया था 1955 में। और कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, चाहे वो किसी भी रिसर्च में एंगेज हो इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू द एज ऑफ 45 ईयर, वो एलिजिबल है इस प्राइज के लिए। और उसके बाद एक जो कैश प्राइज है वो है 5 लाख का। उसके बाद एडिशनल 15,000 जो है वो मंथली प्रोवाइड किया, मतलब दिया जाता है अप टू द एज ऑफ 65। उसके बाद आता है आर डी बिरला अवार्ड, और ये दिया जाता है मेडिकल साइंस की फील्ड में। उसके बाद दवंत्री अवार्ड, और ये प्रोवाइड किया जाता है जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं मेडिकल साइंस में, ये उन लोगों को दिया जाता है। ओके सो गाइज, ये था आपका नेशनल अवार्ड्स सभी, और होप सो आपको समझ आया होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच, बाय।